दोस्तों आज हम वीर ज़ारा मूवी की स्टोरी में अपने जज्बात आपके सामने पेश करना चाहते हैं। आपको जरूर पसंद आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म का पहले सीन में शाहरुख खान चौंक कर उठते हैं, उनकी नींद खुलती है। ये सीन एक जेल का है, कौन सी जेल का है ये आगे बताया जाएगा। फिर वो उठकर पानी पीते हैं और अब जेल की सलाखों के बाहर का सीन दिखाया जाता है, तो पता चलता है ये पाकिस्तान लाहौर है। दूसरे सीन में यहाँ रानी मुखर्जी को दिखाया गया है, जो पाकिस्तान की एक कब्रिस्तान में अपने अब्बू की कब्र पर दुआ मांगने के लिए जाती है और बताती है कि आज अदालत में उसके केस का पहला दिन है। इससे जाहिर होता है वो एक वकील है। अगला सीन उसी जेल में दिखाया गया है जिसमें शाहरुख खान है। यहाँ एक पुलिस वाला दूसरे को बोलता है, ए क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? क्योंकि अब औरतें मर्दों वाला काम कर रही हैं। ये वो रानी मुखर्जी को देखकर ताना मारता है। आगे पता चलता है ये शाहरुख खान का केस लड़ रही है। जब वो शाहरुख खान के पास जाती है और बोलती है, मुझसे बात करो प्लीज, मैं आपकी वकील हूं, तो शाहरुख खान कुछ नहीं बोलता। जब वो वापस जाने लगती है तो बाहर किसी जहाज के उड़ने की आवाज आती है, तो शाहरुख खान बोलना शुरू करता है, That's an F-16 flying at the speed of 1200 mph. रानी मुखर्जी शाहरुख खान की आवाज सुनकर वापस आती है और अपना रिकॉर्डर चालू कर लेती है, जिसे वो बाद में केस को समझने के लिए यूज करेगी। यहाँ शाहरुख खान बोलना शुरू करता है अपनी जिंदगी के बारे में और सीन आगे बढ़ता है, जहाँ पे शाहरुख खान एक रेस्क्यू पे है और हेलीकॉप्टर में है। यहाँ पे भी शाहरुख किसी को बचा रहा होता है और यहाँ शाहरुख का नाम फिल्म के अकॉर्डिंग दिखाया जाता है, स्क्वाड्रन लीडर वीर प्रताप सिंह। यहाँ उनका रेस्क्यू पूरा होता है। अगला सीन फिर पाकिस्तान का दिखाया जाता है, जहां पे ज़ारा को उसकी दोस्त के साथ दिखाया गया है। वो ज़ारा को उठा रही है, ज़ारा उठ जाती है। फिर वो अपनी अम्मी के साथ एक दरगाह पे जाती है। जब वापस आती है तो देखती है दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है। ज़ारा ये देख कर रोने लगती है। तब उसकी दादी उसको बताती है, सन 1947 के बाद ज़ारा के दादाजी उसे पाकिस्तान लेकर आए थे और उसकी अंतिम इच्छा ये है कि उसकी अस्थियों को वहां हिंदुस्तान में एक जगह किरतपुर है वहां पे बहाया जाए। ये बहुत ही इमोशनली सीन होता है। ज़ारा रोने लगती है और देखते ही देखते उसकी दादी इस दुनिया से अलविदा कह जाती है। और फिल्म में आगे क्या होता है देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही अगला पार्ट आने वाला है।